फिर एंटर करते ही ये खूबसूरत नजारे मिलने वाले हैं हम लोअर मॉल रोड से। आम दिनों के मुकाबले तो खैर बहुत ही ज्यादा शांति है। और ये खूबसूरत नजारा देखो, हमें मिल गई हैं कुछ बतके जो धूप सेक रही हैं और आधी सो रही हैं। हे गाइस, क्या हाल है सभी के? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो यहाँ का जो रिक्शा स्टैंड है आज वहां पर का हूँ। तो शहर आज बिल्कुल खाली सा है, टूरिस्ट भी बिल्कुल ही ऐसे दिख रहे ना, है ही नहीं शहर में। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन, लेट्स सी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिक्शा स्टैंड भी बिल्कुल खाली दिख रहा है ना, तो ऐसा करते हैं तल्लीताल को चलते हैं। तो पहले रिक्शे के लिए टिकट लेते हैं, तो ये वाला तो भर गया, तो अब दूसरा ई रिक्शा आएगा, तो उसमें बैठने के लिए सवारी भी चाहिए। आज भाई सवारी भी नहीं है, देखो कितनी कम भीड़ है शहर में, नहीं तो ये वाले एरिया में बिल्कुल लाइन लगे रहती है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, सबसे आगे मैं ही खड़ा हूँ आज। तो 10 रुपये का करीब टिकट पड़ेगा, 10 रुपये का सिक्का है मेरे पास। तो जैसे ई रिक्शा आता है और फिर बैठ के चलते हैं। चलो भाई रिक्शे में तो बैठ गए हैं, अब चलते हैं तल्लीताल, फिर तल्लीताल से घूमते हुए वापस आएंगे। आजकल यहाँ पर भी ई रिक्शे का प्रचलन ज़्यादा हो गया है ना, नहीं तो पहले क्या था, यहाँ पर मैनुअल रिक्शा बहुत सारे चलते थे, वो पैडल रिक्शा जो होते हैं, तो अब तो लगभग समाप्त हो गए हैं वो। बट ये कि पहाड़ में रिक्शे में बैठने में मज़े तो आते ही हैं यार। खैर, और आप मॉल रोड में हो और नैनीताल झील बगल में ही हो। 2 मिनट लगे पहुँचने में मल्लीताल से तल्लीताल, और कितने सारे ई रिक्शा पीछे दिख रहे हैं ना भाई। यहाँ से तो सवारियाँ है ही नहीं आज वापस मल्लीताल को जाने के लिए, तो इतना ज़्यादा आज खाली है नैनीताल शहर। तो ऐसा करते हैं तल्लीताल बाज़ार भी चलते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, फिर वापस हम पैदल ही जाएंगे। वैसे आप सब बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है शहर में। तो ये रहा तल्लीताल का व्यस्त चौराहा जो बिल्कुल ही सन्नाटे में जैसा लग रहा है। और ये रोड जाती है भवाली और कैची धाम। यहाँ से कैची धाम के लिए अगर आप लोग टैक्सी एक्सी लो ना, पर पर्सन पर हेड यहाँ से 50-60 रुपये में आप शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं। और पहले पड़ेगा भवाली, उसके बाद कैची धाम पड़ता है। और थोड़ा सा आगे को जाएंगे तो यहाँ से हल्द्वानी रोड भी आ जाती है। यहाँ पर कौन सा चर्च है यार, ये चर्च में अभी रुक जाऊँ, मेरे माइंड में आता है तो बता देता हूँ। बाकी ये जो पूरा एरिया है बस स्टैंड वाला एरिया है, और ये बिशप शाह स्कूल है वैसे ये, और चर्च भी है। और अभी हम डाट वाले एरिया में भी जाएंगे, तो पहले हम चल रहे हैं बाजार। अगर हम अभी के टेम्परेचर की बात करें ना, इस वक्त 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, और रात में करीब जा रहा है 1 डिग्री के आसपास। आने वाले दिनों में ऐसा है, बारिश बता रखी है 25, 26, 27 तारीख में बता रखी है जनवरी में। लेट्स सी वो क्या रहता है, अभी मौसम का तो कुछ फिक्स है नहीं, बट मौसम विभाग के हिसाब से उस टाइम पे मौसम ख़राब होने वाला है। और अब तो ये भी है कि शाम को अब ठंड बढ़ने लगी है, इस हफ्ते थोड़ी सी ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगले हफ्ते थोड़ी और ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ठंड होनी चाहिए तभी तो मज़ा भी आएगा पहाड़ में। जिस तरीके से मल्लीताल में हेरिटेज मार्केट है, उसी तर्ज पे ये मार्केट भी बनाई गई है। देखो आपको जितने भी शॉप्स है उस पर इस तरीके से पेंटिंग दिख जाएगी। आगे भी चलते हैं, यहाँ पर बहुत से होटल्स भी दिख रहे हैं, ऐसे बहुत से होटल मिलेंगे। वही ग्रोसरी शॉप हो गई, और जितने भी मिठाइयों की दुकान हो गई, सब्ज़ी सब, मतलब हर एक चीज़ ये यहाँ पर को भी है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, सामने हमें तिरंगा झंडा दिख रहा है, तो इस एरिया को बोलते हैं क्रांति चौक। तो कहते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो भी क्रांतियाँ होती तो यहीं से शुरू होती थी नैनीताल शहर में, तो इस वजह से इस एरिया को क्रांति चौक बोला जाता है। बाज़ार को एक्सप्लोर करके आ गया, आधी शॉप्स तो मुझे आज थोड़ा ही बंद लग रही है, चलो ठीक ही है। बाकी ठीक पीछे जो एरिया है ये है डाट वाला एरिया, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है ना, तो और ये पानी गोला नदी में जाके मिल जाता है। जब यहाँ पर ओवरफ्लो जाता है तब छोड़ा जाता है पानी। तो आप जब नैनीताल शहर आओगे हल्द्वानी की तरफ से, तो सबसे पहले आप इसी एरिया में आके ना झील को निहारोगे, ये होता ही है सभी टूरिस्ट के साथ, और फोटोग्राफी करोगे पीछे से। तो चलो हम भी देखते हैं और कैसा नज़ारा दिख रहा है पीछे से वो देखते हैं। आम दिनों के मुकाबले तो खैर बहुत ही ज़्यादा शांति है। और ये खूबसूरत नज़ारा देखो, ब्लू स्काई, क्या ही खूबसूरत लग रहा है ना। सामने चाइना पिक का पहाड़, और यहाँ से स्नो व्यू, और किलबरी तो क्या नहीं दिखेगा, बट ये चीज़ें दिखती हैं। बाकी अभी हम थोड़ा सा आगे को जाएंगे ना, हमें दिखेंगी मछलियाँ। सो यहाँ पर मछलियाँ टूलते हुए खूब सारी दिख जाती हैं। तो देखो ये अभी वेट कर रही हैं कुछ खाने के लिए, कि कोई कुछ खाने को दे दे, बट मुझे फ़ोन ना थोड़ा टाइट से पकड़ना पड़ रहा है। कभी कभी मेरे माइंड में आता है अगर मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ फ़ोन सीधे छूट गया तो भाई फिर कभी नहीं मिलेगा। इस लेक में ना बहुत से फ़ोन लोगों के गिरे भी हैं, तो जो लोग बोटिंग करते हैं ना, मैंने बहुत से लोगों को मतलब मुंह लटकाए हुए देखा है भाई, कि बोट में बैठे हैं फ़ोटो खिंचा रहे हैं और हाथ से छूट गया फ़ोन, और सीधे गया तो गया, फिर ऐसा भी हो जाता है। मॉल रोड एंटर करने के लिए ना सबसे पहले क्या है, 110 रुपये करीब देने पड़ते हैं हमें, नहीं जो फोर व्हीलर लेकर आता है, तो एक तरीके की चुंगी है, 110 रुपये करीब बोर्ड लगता है। और इस तरीके से आप कार लाओ, या कार आई यहाँ पर रुकी जाती है, 110 रुपये दो और आ जाओ, सिर्फ
फोर व्हीलर वालों के लिए है, टू व्हीलर वालों के लिए नहीं। फिर एंटर करते ही ये खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। हम लोअर मॉल रोड से आराम से लेक के बगल में चलेंगे, क्योंकि खूबसूरत विजुअल जो मिलेंगे ना हमें देखने को। बाकी आए थे हम ई रिक्शा में, जा रहे हैं पैदल, तो आप आपकी चॉइस है। अगर आप ई रिक्शा में भी जा सकते हो 10 रुपये देकर पर पर्सन, या आप पैदल भी जा सकते हो। दोनों चीज़ें ही हैं। देखो ई रिक्शा चले गई। वैसे मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आते हो तो एक बार पैदल वॉक ज़रूर करना, पैदल वॉक का अलग मज़ा है। यहाँ का जो कैनेडी पार्क है ना, मैं उधर आ गया हूँ, तो ठीक बगल में ही रही रोड और इधर कैनेडी पार्क है, वॉकिंग पार्क है थोड़ा। मतलब ऐसा है कि आधा मॉल रोड पार्क पार्क चलते चलते हम क्रॉस कर लेंगे। और इतनी ज़्यादा शांति आज फील हो रही है ना, कि सामने एरिया जो है ना वहाँ पर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। सो भाई आज नहीं था, शहर अलग ही बिल्कुल ही। देखो कैसा महसूस हो रहा है। कैनेडी पार्क में हमें मिल गई हैं कुछ बतखें जो धूप सेक रही हैं और आधी सो रही हैं। देखो सबकी मुंडी देखो कहाँ उल्टी घुसी हुई है, तो सब मतलब कैनेडी। देखो हम कैनेडी पार्क में टूलते टूलते ना हमें मिल गई हैं कुछ बतखें जो आधी यहाँ पर धूप सेक रही हैं और कुछ तो सो रही हैं। यार मतलब क्या है, आधी तो यहीं पर टूली पड़ी हैं और खड़े खड़े सोती हैं। बतखें खड़ी क्यों सोती हैं यार, किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना। और देखो सबकी मुंडी पंखों में छुपा रखी है सबने। तो ये पंछी बरादरी जितने भी होते हैं ना, सब ऐसे ही सोते हैं। मैंने सबको लगभग देखा है, ये अपना मुंह पूरा अपने पंखों के अंदर डाल लेते हैं, शायद इन्हें ठंडा ना लगे, ये भी एक कारण हो सकता है। बट फिर भी तो कुछ वाइट कलर की, कुछ ये ब्राउन पंख वाली। चलो इन्हें देखते देखते तो हमें नींद आ जाएगी, तो हम चलते हैं सीधे आगे को। यार ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और साथ साथ धूप भी अच्छी लग रही है, क्योंकि लेक के बगल में ही है ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं और साथ में धूप का कॉम्बिनेशन भाई अलग ही फील हो रहा है। और साथ में ये विजुअल हो तो फिर क्या ही कहना यार। आप इस बीच नैनीताल शहर में किसी भी कोने में आप खड़े हो जाओ, अरे यार बस समय ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा लग रहा है आज वैसे शहर, और कैसी झिलमिलाती हुई झील पीछे दिख रही है, अगर हम उस तरफ को देखें ना आंखों पे पड़ रही है झिलमिलाहट पानी की। या मुझे ना एक चीज़ और लग रही है कि शहर में आज इसलिए भी भीड़ नहीं है, क्योंकि लोगों ने ना स्नोफॉल की उम्मीद तो छोड़ दी है। लगभग लगभग जितने भी व्यूवर्स थे वो लोग नैनीताल शहर आना चाह रहे थे स्नोफॉल देखने के लिए। अब यहाँ पर स्नोफॉल का कोई सीन तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके का रेगुलर मौसम है बढ़िया खुला मौसम दिख रहा है। सो अब लोग नहीं आ रहे हैं भाई, ऐसा है बिल्कुल ही, आज तो सन्नाटा पसरा हुआ है नैनीताल शहर में। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर कोई क्वेरी होगी तो फिर टेक्स्ट कर देना, उस पर बात करके देख लेंगे। वैसे ऑफ सीजन चल रहा है एकदम, और आज देख लिया कितना खाली नैनीताल शहर है। अगर आ रहे होगे तो भाई देख लेना, काफ़ी सस्ते में आजकल घूम पाओगे, क्योंकि होटल रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। सो इट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए चला।